नए नए कस्टमर लाना, जो कस्टमर है उनको रिपीट माल बेचना, मतलब रिपीट सेल्स करना, उनसे रेफरल लेना, अप सेल करना, डाउन सेल करना, क्रॉस सेल करना, ये सब जब करते हैं तो बिजनेस ग्रो होता है। बिजनेस बहुत बड़ा करना है तो आपको न्यू लीड्स लानी पड़ेगी, क्योंकि जो कस्टमर आ रहे हैं आपके तरफ वही लोगों को आप सर्व कर रहे हैं, तो बिजनेस बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो आ रहे हैं उनको अच्छा सर्व किया, खुश हो गए, उन्हें और लोगों को बोला, फिर और लोग आ गए, 10% बिजनेस बढ़ रहा है हर साल, मगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि वो माउथ टू माउथ है। माउथ टू माउथ बिजनेस बढ़ना बहुत टाइम लगता है। आज हम कौन से ज़माने में, आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में, डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने में हैं। हमको चाहिए लीड्स, जनरेट लीड्स करना, लाना नए नए कस्टमर की इंक्वायरी लाना और उनको सर्व करना। तो जब लीड्स आती है तो उनको सर्व करना पड़ता है, मतलब उनको कॉल करना है और कॉल करके उनको माल बेचना है, वो बेचते आना चाहिए। और इसलिए सेल्स टीम बहुत महत्व की होती है, क्योंकि आप जब सेल करते हैं तो रोकड़ा आता है, पैसा आता है और धंधा चलता है। तो भी सेल्स में कौन रहता है, सेल्स में रहता है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव या डूअर, मतलब जो एक्चुअली काम करता है। तो उसमें फिर चार प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है डूअर, जो एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर मतलब जितनी भी लीड आई हुई है या जो भी नंबर आपके पास में मोबाइल नंबर है, जो भी है, उनको कॉल करना, ये कोल्ड कॉल के बराबरी के, कोल्ड कॉल्स। कोल्ड कॉल मतलब उनको कोई पहचानते नहीं है, कुछ नहीं है, नंबर है, चालू कॉल करना और बताना अपने बिजनेस के बारे में। तो कोल्ड कॉलिंग हो सकता है, या जो लीड आई हुई है उनको कॉल करना है एक्सप्लोरर। ये कॉल में हो सकता है कि वो बोलेंगे हाँ इंटरेस्ट है आपका माल खरीदने में, तो उसने थोड़ा भी इंटरेस्ट बताया तो उसको नोट डाउन करना है नाम नंबर और वो देना है हंटर को। तो पहला है एक्सप्लोरर, दूसरा है हंटर। हंटर क्या करता है, हंटर शिकार करता है। शिकार करता है मतलब जो लीड आई हुई है, जिसने इंटरेस्ट बताया है, उससे बात करना, उसको मिलना, उसको प्लान देना और उसकी शिकार करना, उसको माल बेचना और रोकड़ा लेना। तो ये होता है हंटर का काम। तीसरा जो होता है वो है फार्मर। वो व्यक्ति है फार्मर कि जो लीड आई हुई है, जो बोलता है मैं सोचता हूँ, बताता हूँ कल परसों, तो फार्मिंग करना मतलब उसका पालन पोषण करना, संगोपन करना, उसको और माहिती चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो देना, अपने वीडियो देना, ब्रोशर भेजना, मतलब जैसा फार्मर क्या करता है, फार्मिंग करता है, बीज डालता है, खाद देता है, पानी देता है और फिर बाद में फसल आती है। तो वैसे ही फार्मर जो है सेल्स में, वो आदमी है कि जो लीड्स जो आई हुई है उनका संगोपन करता है, उनको बड़ा करता है, उनको खाद देता है ताकि वो अल्टीमेटली अच्छी फसल दे। और चौथा है माइनर। माइनर का मतलब होता है कि जो लीड्स जो है, जो नाम नंबर आए हुए, जो डेड है, मतलब गड़े हुए मुर्दे, कि जो अभी अपने संपर्क में नहीं है, पता नहीं उनको इंटरेस्ट है नहीं है, या साल दो साल से उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, पुराने कस्टमर थे, तो उनको करना माइनिंग, मतलब खोद काम करना, खोद के गड़े हुए मुर्दे निकालना, उनको पूछना कि आपको क्या ज़रूरत है और उनको माल बेचना। तो ये जो है एक्सप्लोरर, हंटर, फार्मर और माइनर, ये चार प्रकार होते हैं, चार टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ये आपके पास में होना जरूरी है, मगर ये जब काम करते हैं तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए चाहिए सेल्स कोऑर्डिनेटर, कि जो कोऑर्डिनेट करेगा, ये सब देख लेगा, सुपरवाइज करेगा, और ये तो करेंगे ही, तो फिर ये लोग लाना है, वो कौन काम करेगा, वो काम करेगा सेल्स हायरिंग का बंदा, कि जो सेल्स हायरिंग करता है, मतलब लोगों को लाना है, लोगों को लाना, उसके एडवर्टाइजमेंट देना, सिलेक्शन करना, इंटरव्यू लेना और उनको काम पे लगाना, और उसके साथ साथ सेल्स ट्रेनिंग देना, क्योंकि आप ट्रेनिंग देंगे तो फायदा होगा। तो सेल्स ट्रेनिंग है, सेल्स हायरिंग है, सेल्स कोऑर्डिनेटर है। तो न्यू लीड्स जो आती है, न्यू लीड्स, तो न्यू लीड्स आने के बाद में उसको स्टोर करना भी जरूरी है, उनको कॉल करना भी जरूरी है, और हर लीड का हिसाब होना चाहिए, और हर लीड का हिसाब रखने के लिए है सेल्स कोऑर्डिनेटर, क्योंकि एक एक लीड जो है ना वो पेट्रोल से भी महंगी है। कोई आदमी आपको फ़ोन करता है उठा के, इसका मतलब उसको ज़रूरत है, उसको वांट है, और वो वांट हमने पूरी करना चाहिए। हम पूरी नहीं करते तो वो और कहीं जगह फ़ोन लगा देगा, वो आदमी उसको अपना माल बेच देगा। तो सेल्स प्रोसेस में हरदम रखना है कि लीड लीकेज नहीं होना,
अपना माल बेचे जाना चाहिए, हर लीड का हिसाब होना चाहिए। यह आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका सेल बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर तमाम आपके लोग जो है जो धंधा पानी कर रहे हैं उनको शेयर करो ताकि उनका धंधा बढ़ेगा। हमारे जो बिजनेस के प्रोग्राम होते हैं उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका 10x ग्रोथ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।